नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल आलोक सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो हम आप सबों के बीच में कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमारा टॉपिक यही है कि सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमारा जो है एस्पोमेन भी ये जो है वो जल्दी निकल जाता है, यानी फर्स्ट सेकेंड स्टॉक में ही वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए बहुत सारे औषधि भी है, बहुत सारे मेडिसिन है, और ये हर बात हर किसी को ये भी जरूरी नहीं है कि हर मेडिसिन उसको सूट कर जाए, यानी हर प्रकार की मेडिसिन हर किसी के लिए लाभदायक हो। कुछ लोग जो है मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। चाहे हमारा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, टडराफिल कैसे लें और अवाना फील कैसे लें, इनके बारे में बताएं कितने एज तक के लेने चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका लोग उपयोग करने के बाद भी जुस्सी के पतन की समस्या का है या फर्स्ट से सेकंड यानी मात्र 1 मिनट में जो है वीर्य का बाहर निकल जाना, जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो बहुत जल्दी जो है निकल जाता है, जैसे ही आप टच करते हैं वैसे ही निकल जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है कुछ एक सटीक उपाय है जो हम आप सबों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, आप सबों को कुछ ट्रिक बताना चाहते हैं, कुछ मेथड बताना चाहते हैं जो आपके लिए हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके लिए कुछ उपाय है जिसको आप लोग ध्यान से सुनिए। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक एक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों की सेवा में हम जुड़ चुके हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। बस आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद चाहिए, बस इसी चीज की कमी रहती है। तो दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में सबसे पहले हमारा यही था कि जब भी रिलेशनशिप में जाते हैं, जब भी अपने पार्टनर के साथ या अपने वाइफ के साथ जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं तो अपना जो है क्रिया आरंभ करने से पहले यानी काम शुरू करने से पहले अक्सर क्या होता है कि फर्स्ट से सेकंड स्ट्रोक में बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे कि वहाँ पे एक शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आप तो सेटिस्फाइड हो गए, यानी पुरुष तो सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी फर्स्ट से सेकंड स्टॉप में जब उसका निकल जाता है, बाहर निकल जाता है तो वो तो सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि वो आपके प्रति क्या सोचेगी, क्या कहेगी कि आप उसके एबल नहीं है, आप उसके योग्य नहीं है, ठीक है। और इस योग्य नहीं होने के कारण धीरे धीरे जो है वो अपना आपके तरफ से किसी और के प्रति आकर्षित होने लगे, जिससे कि मन में डर रहता है कि भाई किसी और के साथ उसकी सेटिंग ना हो जाए, यानी हम या कहीं अपने मायके में अपने संबंध में अपने रिलेशन में बता दी कि वो उनमें ये कमी है, वो सही से नहीं आ पाते हैं साथ पास में, हमारे साथ सही से समय नहीं व्यतीत करते हैं, हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी के कारण होगा। समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ टिप्स अपनाने। सबसे पहला टिप्स देखिए, ध्यान से सुनिएगा और इस टिप्स को याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप रिलेशनशिप बनाने जाएं, जब भी आप जाएं तो अपने मन में धीरज रखें, ठीक है। और जो इससे पहले हमने अनेकों सारे वीडियो में बताया है कि जो फोर प्ले वाले सिस्टम है वो फोर प्ले वाले सिस्टम को तो हद से ज्यादा करना है, यानी आपके अंदर जितनी उत्सुकता है उससे ज्यादा करना है। सेकंड नंबर चीज, जब आप फोर प्ले कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपके पार्ट्स को यानी पुरुष के पार्ट्स को टच नहीं कर रहे, यानी छूना नहीं, आप केवल अपने पार्टनर के पार्ट्स को छू सकते हैं। हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं, आप समझ भी रहे हैं, यानी आपका जो भी प्राइवेट अंग है उसको आपके पार्टनर न छू पाए, ठीक है। ये बहुत ही बारीक चीज है, ध्यान से समझिएगा। सेकंड नंबर चीज, जब भी आप रिलेशनशिप बनाने जाए यानी जब आपको इंटरकोर्स करनी है, ठीक है, यानी अंदर की तरफ डालना है, तो उस समय आपको क्या करना है कि कोई एक ऐसा लिक्विड लें,
लिक्विड समझ है, जैसे कि ऑयल ले लें, ठीक है, जो आप में बेहतर सूट करता हो। इसके लिए कोई वो रिकमेंड नहीं है कि आप यही ऑयल, चाहे कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले, ऑयल ले करके अपने हाथों से या अपने पार्टनर के हाथों से अपने प्राइवेट पार्टों पे एक बार मालिश करा दी, मात्र एक बार, ताकि वो गीला हो जाए, ठीक है। इससे पहले आपने फोर प्ले लगभग 5 मिनट तक करना है, ठीक है, मालिश करा दे। मालिश करने के बाद आप नीचे हो, यानी पुरुष नीचे रहेंगे और आपके ऊपर जो है एक प्रकार से आपके पार्टनर रहेंगे, ठीक है, यानी पुरुष नीचे रहेंगे और महिला जो होगी वो ऊपर रहेंगे, हमारी बातों समझ रहे हैं, और ऊपर रहेंगी। उसके बाद जो है आप जितना स्ट्रोक लगा सकते, हमें उम्मीद है इस ट्रिक पे कि आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको नीचे रहना है और अपने महिला पार्टनर को ऊपर रखना है, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इससे आप भी खुश, आपके पार्टनर भी खुश, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। हमारे देश में जितने पुरुष हैं उनमें से 95% ऐसे पुरुष हैं जिनका जो है वीर्य समय से पहले निकल जाता है। ये सुन के आपको ताज्जुब होगा कि केवल आप ही नहीं है, बहुत सारे, यानी 95% ऐसे लोग हैं जो बोलने के लिए तो काफी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन वो केवल बोलने भर के हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि जब भी वो अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनका जो वीर्य हो उस समय से पहले निकल जाता है, लेकिन औरतों को काफी समय लगता है, आपके पार्टनरों को काफी समय लगता है, ठीक है। अब उनको आपसे पहले अगर उनका कूलनेस करना है, ठंडापन देना है, तो उसके लिए क्या करना हो, उसके लिए आपको लगभग 5 से 10 मिनट फुल एंजॉय करना होगा, उसके बाद ही आप संबंध बनाना होगा, हमारी बातों का आप लोग लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये शानदार ट्रिक आपको कैसा लगा आप जरूर एक बार कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कमेंट का इंतजार रहता है। और आप ये ट्रिक को अप्लाई कीजिए और फिर हमें उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और भी किसी प्रकार की अत्यधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आकर के बातचीत कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।